समाजवादी पार्टी की रोड शो के बाद मैनपुरी नगर के करहल चौराहे पर जमकर बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकत की जिसके बाद भाजपाइयों में गुस्सा देखने को मिला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति यादव की ओर से वोटों की अपील करते हुए रोड शो किया गया। लेकिन रोड शो के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा माहौल बिगाड़ कर रख दिया। करहल चौराहे पर रोड शो समाप्त किया गया और करहल चौराहे पर ही लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चलकर कुछ अराजक तत्वों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित करने का काम किया। मूर्ति पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने का काम किया, जिसकी मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कुछ अराजक तत्व अपनी मनमानी करते हुए महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए हैं और समाजवादी पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस बात की जानकारी क्षत्रिय समाज को हुई तो बड़ी संख्या में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना समेत तमाम क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ एकत्रित हो गए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के माहौल में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की ओर से बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर रात तक यहाँ जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल काटा गया, जिसके बाद आखिरकार देर शाम पुलिस की ओर से करीब एक सैकड़ा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वही पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और क्षत्रिय समाज के लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यम समाचार। जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है, सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। आप यहाँ पे बैठे हो, क्या हुआ? हमारे की यहाँ पे भेजा नहीं गई है, अब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे लड़कों ने बैठ के बियर पी करवाते सब करवाते। समाजवादी पार्टी की रैली निकल रही थी उनके लड़कों ने, और कामता प्रसाद स्कूल आवास विकास में उनके सामने लड़कों का कुछ सूत्र मिला है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सूत्र मिला। गोता साहब बात करें, आप वीडियो ले लो। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे पूर्वजों का सम्मान रहे। लो लो की बात करें, हमने बलिदान दिया है यहाँ पे, हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिया है। अब कोतवाल साहब हमारे बहुत ही ईमानदार है, एक तरीके से प्रचार करिए।